आज हम बात करेंगे बटेर पालन के बारे में कि बटेर से का व्यवसाय हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आप हमारा बटेर फार्म देख रहे हो। जब हम बटेर लाएंगे सबसे पहले हम टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। जैसे आप मुर्गियों के लिए 35 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हो, बटेर का चूजा हमारा छोटा होता है, 5 से 8 ग्राम रेंज है, जबकि इसका अंडा 9 से 11 ग्राम का होता है। बटेर के चूजे के लिए हम 38 to 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और फिर हर हफ्ते हम 2.5 डिग्री टेम्परेचर को घटा सकते हैं। बटेर में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी शुरू के 7 दिन में रहती है। अगर हम उसे प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर स्पेस दे सके तो उससे हमारी मॉर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम चिक वाटर यूज़ कर रहे हैं बटेर के लिए। बटेर के चिक के लिए वाटर अलग आता है, उसको कोयल वाटर कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोयल वाटर नहीं है तो हम चिक वाटर को कैसे यूज करेंगे कि ड्राउनिंग की वजह से ये बटेर मर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें मार्बल चिप्स जो मार्केट में आती हैं, 0 साइज मार्बल चिप्स या फिर कंचे खेलने वाले, वो हमने इसमें डाल देने हैं ताकि बर्ड हमारे कोयल का जो चिक है ड्राउनिंग से ना मरे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हमने ये डीप लिटर सिस्टम में रेयर कर रहे हैं कि बेडिंग मटेरियल जो है हमने राइस हस्क यूज किया है ये कितना होना चाहिए। अगर सर्दियों के दिन है तो ये बेडिंग मटेरियल हमारा 6 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर गर्मियों के दिन है तो 3 से 4 सेंटीमीटर बेडिंग मटेरियल हमारा चल जाएगा। फिर हम आपको बात करते हैं आगे कि हमने बटेर को खिलाना क्या है। जैसे कि हम ब्रॉयलर पालते हैं तो हम उसको 3 टाइप की फीड देते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर हम ब्रॉयलर में 14 दिन तक देते हैं, 15 दिन से 21 दिन तक हम स्टार्टर फीड देते हैं, उसके बाद हम फिनिशर फीड देते हैं। पर बटेरों में 2 ही फेजेस हैं, एक स्टार्टर और एक फिनिशर। स्टार्टर फेज 0 से 21 दिन तक हम खिलाएंगे, तो शुरुआत से लेकर 21 दिन तक हम स्टार्टर फीड देंगे और 22वें दिन से हम फिनिशर फीड देंगे। बटेर को अक्सर 35 दिन में, अगर मीट वाली बटेर है, ब्रॉयलर बटेर है, तो हम उसको 35 दिन में निकाल देते हैं, जबकि अगर लेयर बटेर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 42वें दिन से अंडा देना स्टार्ट कर देती है। अब बटेर का ऐसा फायदा क्या है कि हम इसको पालें? बटेर के मीट में और बटेर के अंडों में कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। दूसरी चीज कि बटेर का मीट ज्यादा टेस्टी रहता है और बटेर के मीट में कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। ये हमें ड्रम टाइप फीडर और वाटरर यूज किए हुए हैं। ये 40 बटेरों पे एक फीडर और एक वाटरर होना चाहिए और इन फीडर और वाटरर की हाइट बटेर की मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप यहां देख रहे हो कि लगभग इसकी हाइट इसके डोम के बराबर है, तो इतने हाइट पे इसका फीडर और वाटरर होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले फायदे गिनवा रहा था बटेर पालन के बटेर के मीट में और बटेर के अंडों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा रहते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जब हम बटेर का मीट या अंडा खाते हैं तो हमारे अंदर जाके ये डोकोजा हेक्सिनोइक एसिड DHA में कन्वर्ट होते हैं और ये DHA बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी तत्व है, तो इसे ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। स्टार्ट। ये देखो बटेर का अंडा, ये 9 से 11 ग्राम का रहता है। बटेर के अंडों को विटामिन बम्स कहा जाता है। बटेर के अंडे में विटामिन की मात्रा जो है चिकन के अंडे के मुताबिक के अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा रहती है। साथ में ही जिसको खांसी बड़ी देर से लगी हुई हो, साइंसदानों के रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि ये उस खांसी को ठीक करने में भी लाभदायक है। इसके साथ ही ये शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है, ये एफ्रोडियसिक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है।
बटेर का अंडा आयरन रिच रहता है। अब हम बात करेंगे कि ये कितने का बिकता है। बटेर का अंडा 102 रुपए में आराम से मार्केट में बिक जाता है, जबकि बटेर की खुद की बात करें तो 35 दिन के अंदर ये पर पीस के हिसाब से बिकता है। बटेर का पीस 100 रुपया पर पीस आसानी से बिक जाता है। लागत हमारी बटेर में ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए आ जाती है, 16 से 25 रुपए का चिक रहता है, बाकी फीड की कॉस्ट लेबर कॉस्ट डाल के 80-85 रुपए आ जाती है। तो पर पीस हम 35 दिन में एक पीस से 15 रुपए आराम से कमा सकते हैं। शुक्रिया।